मित्रों, आज हम सभी व्यापारी भाइयों एवं सहयोगियों के कारण ही ये संभव हो पाया है कि कानपुर ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की जरूरत की रसोई का आज सफलतम 50वां दिवस है। आज से हम लोगों को सेवा करते करते पूरे 50 दिन हो गए हैं और इस जरूरत की रसोई के माध्यम से 50 दिनों से निरंतर सेवा जारी। आज सेवा में हमारे साथ हमारे भाई गौरव त्रिवेदी जी यहाँ पर जरूरत की रसोई में मौजूद, हमारे पप्पू भैया, शुक्ला जी, आशीष, उसी प्रेम भाव से आज 50वें दिन भी सेवा जारी है। हमारे पवन मिश्रा, क्रांति भाई, सेवा के पूरे 50 दिन का लेखा जोखा और इसको उसी तरीके से मेंटेन करना जिस तरीके से पहले दिन से प्रारंभ हुआ था। आज 50वां दिन है संस्था का, तो आज जहां तक सूचना मिली है कि हम लोग भौती हाईवे या रामा देवी के पास हाईवे में जा करके जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। आज भोजन और पानी दोनों का वितरण आज भौती हाईवे पे किया जाएगा। यहाँ से पैकिंग होने के बाद हमारे अभिषेक शुक्ला, ओमी भाई, रमन द्विवेदी, मोहित यादव जी आदि सभी लोग पूर्व की भांति मौजूद जरूरत की रसोई में। और पुनः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी जिस प्रकार हो सके उस प्रकार ज़रूरतमंदों की मदद करें, उनकी देखभाल करें। अगर आपको ईश्वर ने कुछ इस लायक बनाया है कि आप 2 लोग 5 लोग 10 लोग की मदद कर सकते हैं तो आप उतनी यथा संभव हो सके मदद करें, ना मदद कर पाए तो ज़रूरत की रसोई के जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर फ़ोन कर हमें अवगत कराएं। हम उनकी सेवा में तत्पर है पूरे संगठन के साथ, पूरे समूह के साथ, सभी व्यापारी भाइयों के साथ और अपने सहयोगियों के साथ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कानपुर ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल का साथ दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी समाज।